जब आप ब्लॉगिंग के बारे में सुनते हैं ना, जब ये जानते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसा अर्न किया जा सकता है, तब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ब्लॉगिंग को फुल टाइम कैरियर या पार्ट टाइम कैरियर, मतलब कि फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट किया जाए या पार्ट टाइम रखा जाए। इसके बारे में आखिर कोई ना कोई क्वेश्चन आता होगा और इसका आंसर अगर ढूंढते होंगे, जानना चाहते हैं कि उसको फुल टाइम रखे या पार्ट टाइम रखे, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली क्या है कि किसी भी चीज़ को फुल टाइम या पार्ट टाइम डिसाइड करने से पहले आपको उसके बारे में डीपली लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को फुल टाइम बनाते हैं तो आपको उसका फ्यूचर मालूम होगा, अगर आप पार्ट टाइम बनाते हैं तो भी आपका फ्यूचर उसको मालूम होगा कि आखिर उसको जो है आगे ग्रोथ है या नहीं है। अगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा तो उसको पार्ट टाइम रखेंगे, अगर टेम्पररी ग्रोथ होगा और अगर उसको परमानेंटली देख सकते हैं कि 20 साल 30 साल आगे तक भी चला जा सकता है, तब जाके उसको फुल टाइम बनाएंगे। जैसे जॉब में लोग जॉब क्यों करता है, या गवर्नमेंट के जॉब के लिए लोग जो है ज़्यादा एकदम तत्पर क्यों रहते हैं, जानते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक ये है, वो सोचते हैं कि लाइफ टाइम यहाँ पे जो है उनको स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में स्टेबिलिटी आ जाए तो इसको फुल टाइम बनाया जा सकता है, अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो लोग जो है कोई और काम को फुल टाइम बनाएंगे और इसको जो है पार्ट टाइम जो है इससे इनकम लेते रहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या होता है, इसी से डिसीजन निकलेगा कि इसको पार्ट टाइम बना सकते हैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ या इसको फुल टाइम बना सकते हैं। देखिए अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग मतलब इंटरनेट बेस्ड एक वेबसाइट होता है। आज से ठीक 5 साल 10 साल पीछे की बात करते हैं, उस समय लोग इंटरनेट बेस्ड थे नहीं थे, उस समय सारा काम हो रहा था, लेकिन इंटरनेट जो कम्युनिकेशन का मीडियम है ये नहीं था, ऑफलाइन मोड था। तो ऑफलाइन मोड बेस्ड जितने भी काम होते थे वो सक्सेसफुल होते हैं। आज जितने भी ऑफलाइन मोड हैं वो सब ऑफलाइन काम तो हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन फास्टली प्रोसेस के लिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म मूव कर रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए आप, जब से इंटरनेट क्रांति अपने देश में हुआ है इसके बाद से इंटरनेट यूजर कितने बढ़ गए हैं, और अगर अभी बढ़े हैं तो आज से आगे 10 साल आगे 15 साल 20 साल आगे अगर सोचिएगा तो आप पता चलेगा कि अभी जितने के पास स्मार्टफोन है आने वाले समय में डिवाइस का रूप भले ही चेंज हो जाए रहेगा स्मार्टफोन ही, और वो सब इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेस्ड रहेगा, क्योंकि जैसे अभी 3G इसका 4G इसका 5G पता नहीं कितने जनरेशन का जो आएगा टेली कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशन, और इसके कारण से डेटा जो है इतना फास्टली चलेगा तो इंटरनेट बेस्ड काम होगा। अब इंटरनेट बेस्ड काम होगा तो लोग अभी के दौर में ही अभी हो चुका है ये चीज़ कि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते आने वाले समय में तो और इसकी सर्च की संख्या बढ़ेगी, तो कहाँ सर्च करेंगे, सर्च इंजन में। और जो सर्च इंजन है क्या उसके पास पूरा रिजल्ट रहेगा, नहीं, वो सब उसका सॉल्यूशन जो लोग सर्च इंजन पर सर्च करते हैं किसी न किसी वेबसाइट पे किसी न किसी ब्लॉग पे रहता है ना। तो जब सर्च इंजन वो रिजल्ट ढूंढ के लाएगा तो कहाँ से लाएगा, किसी ब्लॉग से किसी वेबसाइट से। इट मीन्स ये है आने वाले समय में इंटरनेट पर सर्च करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसको आंसर देने वाले की भी संख्या की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर आप ब्लॉग बनाते हैं आप वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट बेस्ड काम करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं और या आर्टिकल लिखते हैं जो लोग सर्च करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, लोग आएंगे प्लेटफॉर्म पे सर्च करने, आपका ब्लॉग आएगा और आपका ब्लॉग जो है ऐसे ऐसे ग्रो करेगा, मतलब एकदम रैपिडली ग्रो करेगा। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में ब्लॉगिंग का फ्यूचर एकदम स्टेबल है, बिंदास है। अब अगर आप सोचिएगा कि जब बिंदास है तो क्या इसको फुल टाइम बनाया जा सकता है, मैं एक बात बताता हूँ, क्या IAS ऑफिसर जो है कभी रहेगा या नहीं रहेगा, सब दिन रहेगा। एक IAS ऑफिसर का जॉब है रहेगा, लेकिन सभी लोग IAS ऑफिसर की तैयारी क्यों नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, सभी लोग IAS की ही तैयारी क्यों नहीं करते हैं, कोई रेलवे की तैयारी करता है, कोई बिजनेस की मतलब बिजनेसमैन बनता है क्यों। उसका जवाब ये है कि जिसमें काबिलियत है, जिसको लगता है मैं कर लूँगा, जिसमें वो क्षमता है, वो पेशेंस है, वो स्किल है, वो उस चीज़ के जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो लोग तैयारी करते रह जाएंगे और बैक में आ जाएंगे। बस यही चीज़ है दोस्तों ब्लॉगिंग, जान रहे हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, जान रहे हैं कि ब्लॉगिंग का स्कोप है, जान रहे हैं कि ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर सीधे आँख मूंद करके इस फील्ड में आ जाएगा ना, जिस लोगों के पास स्किल नहीं है, जो लोग पैशनेट नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है,
और जो लोग जो है इस चीज़ को लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं, सीधे देख रहे हैं पैसा और आ जाए, भाई साहब IAS ऑफिसर बन जाइए, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाइए, बहुत अच्छे रैंक पे चले जाइए, आपको तो पैसा मिलेगा वहाँ पे। लेकिन क्या होगा उसके लिए आपको उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तब अब सवाल आता है कि ब्लॉगिंग को पार्ट टाइम ले या फुल टाइम ले, अभी इसका आंसर की बात करते हैं। मैंने फ्यूचर बता दिया। देखिए, जो लोग अगर सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, इसी पे करना चाहते हैं और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ब्लॉगिंग को फुल टाइम लीजिए। दूसरी बात, जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, टेक्निकल का मतलब है कि यहाँ पे एज ए बिजनेस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में आज मीडिया हाउसेस भी उतर चुका है, तो आपको उस अनुसार से जब काम करना पड़ेगा तो इसको फुल टाइम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि फुल टाइम लेने से पहले आपको ब्लॉगिंग शुरुआती दौर में पार्ट टाइम ही चलाना पड़ेगा। जब आपके ब्लॉग से इतना इनकम आ जाएगा जितना आपको किसी जॉब या सैलरी से मिल रहा होगा, तब जाके इसको फुल टाइम लीजिएगा। पहले दिन ही अगर फुल टाइम ले लेते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। जैसे मैंने इसको पार्ट टाइम लिया था, धीरे धीरे अब लग रहा है कि इसको फुल टाइम लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है उस पर ट्रैफिक भी आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, इनकम भी मेरा अच्छा खासा हो रहा है, तो भाई साहब इसको फुल टाइम क्यों ना लें। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ब्लॉग होगा, उस पर ट्रैफिक नहीं आता होगा, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं होगा, या अगर आप नॉन टेक्निकल हैं लेकिन आपके पास वो टीम नहीं होगा टेक्निकल वाला जो पूरे मार्केट में कंपटीशन को बीट करते हुए आगे निकल पाए, तो क्या उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा? जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उसको पार्ट टाइम रहने से ही बेहतर है, क्योंकि फुल टाइम बनाइएगा तो लोड फिर फैमिली का लोड भी बढ़ जाएगा, है ना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाया जा सकता है, आप अपने को किस कैटेगरी में फिट बैठाते हैं। अगर आपको लगता है कि फुल टाइम करने में बेनिफिट है, फुल टाइम कीजिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका करियर बिंदास है, आप ब्लॉगिंग के फील्ड में आ सकते हैं, और आप ही लोग के लिए मैंने जो है बहुत सारे वीडियो बना के आपको हेल्प करने के लिए जो है, देख सकते हैं पुराने वीडियो को, उसमें मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो वो पुराने वीडियो भी नहीं देखे तो देख लीजिएगा।